तेल भी मिले। अरे इससे कुछ नहीं होता। अरे मेरे दोस्त ने लिया था। देख तने तो वो छोरी पसंद भी ना है, उसका पीछा करना बंद कर दे। चिराग मन्ने तू समझदार लागे है, तने छोरियों के बारे में नॉलेज भी है, तू बता। जाट, इफ उन्नति हैज चोजन झाटू ओवर यू, यू शुड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स एंड गिव देम योर ब्लेसिंग्स यार। कड़ा चूतिया है तू, कुछ ना मेरा तेरे छोरियों का, बैठ जा। अबे मैंने देखा है, वो पहले जाट को देखकर स्माइल की थी। हां तो हंसी तो आती है इसकी ढोंगे जैसी शक्ल देख के। साले एक घुस में तेरे दांत गिरा दूंगा, फसी बाकी खुदाई से निकाला ना वही घुसा दूंगा। गाइस 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 लेट्स नॉट फाइट ओवर अ गर्ल यार, ऑलवेज रिमेंबर ब्रोस बिफोर हो। अरे मतलब दो दोस्तों के बीच कभी लड़की नहीं आनी चाहिए यार। ऐसा नहीं होता है, मैं बताता हूँ। कुछ लोग अंदर से अच्छे होते हैं और कुछ लोग बाहर से, तुम दोनों ही नहीं हो। इस कैंपस में तुम्हारे लड़की पटाने के चांसेस उतने ही हैं जितना तुम्हारा CGPA है। एक चांस है तुम्हारे पास, टू मेक हर फॉल इन लव विथ यू। ऐसा ना डोरेमोन, मैं आज तक सिर्फ दारू पी के गटर में गिरा हूँ, ठीक है, प्यार जैसी गंदगी में नहीं। I'm a one woman man per night. What do you mean? मतलब ये चूतिए कि तुम लोग हो जो लड़की फोटो लाइक करने के साथ साथ शादी के सपने देख लेते हो और इतने में तुम्हारा प्री कम निकल आता है। Losers. अभी तो सिर्फ बातचीत चालू हुई है, लेट मी जस्ट प्ले इट। झाटू भाई वो एक सुट्टा दो। Even you started smoking? हाँ वो अब एग्जाम्स का प्रेशर ही इतना है तो मैं दिन में दो चैप्टर मतलब दो सिगरेट पी लेता हूँ और एग्जाम टाइम में एक शेयरिंग के साथ। थैंक यू। सुनो ये तुम्हारे दिन की पहली और आखिरी सिगरेट है, ठीक है? थैंक्स जतिन। चलो गेट आउट। तुम बहुत अच्छे हो यार, भगवान करे तुम्हारे जैसा दोस्त सबको मिले और बॉयफ्रेंड सिर्फ एक। हेलो, अब भाई कोई जर्नल नॉलेज के लिए थोड़ी ना पूछ रहा होगा, मतलब तुम किसी पनवाड़ी की दुकान पर जाते हो और पूछते हो कि भाई साहब सिगरेट है क्या, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपको सिगरेट चाहिए। चाहिए उसको भी चाहिए, इसीलिए तो पूछा। अब मैंने तो पहले ही कहा था कुछ लोग अंदर से अच्छे होते हैं और कुछ लोग बाहर से, उन्नति दोनों है। भाई सही बात है, सही बात है। ब्रेकिंग न्यूज, उन्नति ने कल मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। इम्पोर्टेंट काम? और ढीले कपड़े पहनने के लिए भी बोला है। ढीले कपड़े? मेरे को शर्म आ रही है, क्या करूं? समझ नहीं आ रहा।